हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट माय रिसेंट वीडियो। तुझे कैसे पता न चला जो सॉन्ग वीडियो थी वो? इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सब्सक्राइबर्स इससे मेरे ग्रो हुए हैं और इस मंथ के लास्ट तक 500 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ये गाने हमने सब खुद शूट करे हैं, खुद एडिट करे हैं, तो इसमें कई ऐसी गलतियां हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते चाह के भी फिलहाल तो, बिकॉज वी आर नॉट अ प्रोफेशनल्स और हमारे पास कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी नहीं है जिनसे हम एक अच्छा खासा रिजल्ट गेन कर सके। बट जो टूल्स मेरे पास हैं मैं उनसे कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट निकाल सकूँ। प्रॉब्लम नंबर वन जो मैंने फेस की थी इस पूरे सॉन्ग के रिगार्डिंग वो थी लाइटिंग। मेरे पास कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं थी तो मैंने नेचुरल लाइट पे डिपेंड हुआ और कोशिश करी अपने कैमरे में ISO गेन करने की। कुछ प्लेस में ये ISO बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ा और इससे ग्रेनी इफेक्ट आ गया जो फुटेज में आप देख सकते थे। इसका सीधा सीधा सोल्यूशन था, अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल लाइट अवेलेबल होती जो मैं कार के अंदर रखता तो इसे ग्रेन इफेक्ट नहीं आता जो आया है फुटेज में। उसने लाइटिंग की प्रॉब्लम आई थी हमें रेस्टोरेंट में, जब मैंने रेस्टोरेंट वाला सीन शूट किया था उसमें हमने ISO से मैनेज कर लिया, एडिटिंग से थोड़ा सा उस चीज़ को कवर कर लिया। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं देखी जा सकती है जब आप इसे थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये चीज़ आपको फेस करने को मिल सकती है। सेकंड प्रॉब्लम थी कलर रेडिंग। कलर रेडिंग करना इजी नहीं होता, मुझे खुद भी इतनी नहीं आती है, मैं भी जो बेसिक्स ही करता हूँ। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जो फुटेज कलर रेडिंग में यूज़ होती है वो फुटेज लॉक फुटेजेस होती है, जिन्हें फ्लैट फुटेज कहते हैं, जिसमें ज़्यादा कलर नहीं होता है, एक नॉर्मल बिल्कुल प्लेन फुटेज दिखती है जिसमें एडिटिंग में आप कलर को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो और अपनी मर्जी से जो कलर चाहिए आप उसमें डाल सकते हो। एंड थर्ड प्रॉब्लम थी स्टोरी को हम और बेहतर बना सकते थे और बेहतर शॉट्स ले सकते थे, बट अनएक्सपीरियंस होने की वजह से ये दिक्कत आती है। बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है फिल्म मेकिंग का भी फिलहाल, और मैं 2 या 3 महीने से ये सब चीज़ें करने लगा हूँ। मुझे एक स्टोरी को सोचना है, फिर उसके रिगार्डिंग आपको शॉट कैसे लेने हैं ये भी सोचना पड़ता है, और उसके बाद उसे शूट करना, उसे एडिटिंग करना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली हो जाती है मेरे लिए। प्रॉब्लम की बात हो गई है तो हम बात करते हैं टूल्स की। अब इस पूरे सॉन्ग में अगर मैं शूटिंग के लिए देखा जाए तो मैंने बस 2 टूल्स का यूज़ किया है, जो है हमारा DJI का Ronin SC गिम्बल और हमारा जो कैमरा है Canon M50। जो पूरा गाना शूट हुआ है वो शूट है मेरे किट लेंस से जो M50 के साथ है 15-45। हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, हमने टूल्स के बारे में बात करी, अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स का जिनका सोल्यूशन मैंने ऑन द स्पॉट किया था और वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप किसी तरह का वीडियो शूट कर रहे हैं। पहला, लो लाइट शूट। लो लाइट में अगर आप शूट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा लो अपर्चर वाले लेंसेज का यूज़ करें अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अगर आप वीडियो के रिगार्डिंग किसी लेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करें लो अपर्चर के लेंसेज में इन्वेस्ट करें, वो वीडियोज़ के लिए बहुत अच्छे हैं बिकॉज वो लो लाइट में आपको अच्छा खासा फुटेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मेरे केस में मैं 50mm का यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे पास लिमिटेड एरिया था, तो इसीलिए मैंने अपने किट लेंस का यूज़ किया। सो पूरे रेस्टोरेंट में मैंने लास्ट का वो टेबल देख पकड़ा जिसमें बाहर से लाइट नेचुरल लाइट आ रही थी और वहाँ पे मेरे सब्जेक्ट साफ क्लियर आ रहे थे, ताकि मुझे ISO इतना बूस्ट ना करना पड़े जिससे वीडियो में ग्रेन आने लगे। तो इस बात का ध्यान रखें अगर आप किसी ऐसी प्लेस पे शूट कर रहे हो जहाँ पे आपके पास नेचुरल लाइट का ज़्यादा सोर्स नहीं है और आपके पास एक्सटर्नल लाइट नहीं है, तो कोशिश करें आप किसी विंडो के या मेन गेट के आसपास की प्लेस देखें जहाँ पे आपके सब्जेक्ट के पास प्रॉपर लाइट आ पाए और आपका सब्जेक्ट सही से दिखे आपको। वीडियो शूट करते टाइम ऐसी प्लेस को अवॉइड करें जिसमें आप छाया में खड़े हैं और आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है आपको, समटाइम ओवर एक्सपोज हो जाता है आपका बैकग्राउंड। तो कोशिश करें अपने सब्जेक्ट और आपके कैमरे दोनों का एंगल व्यू ऐसे रखें ताकि जिससे आपका सब्जेक्ट प्रॉपर शो हो और आपका बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज ना जाए, बिकॉज ओवर एक्सपोजिंग की वजह से जो लाइटनिंग वीडियो में आती है आप 1% उसे फोटो में कम कर सकते हो, बट वीडियोस में उसे कम करना इतना इजी नहीं होता है। प्लीज़ अगर आपने वो गाना नहीं देखा तो जाके देखो, प्लीज़ गाने को भी फैला तो अच्छी तरह से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को भी, और जिन लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो एडिटिंग पसंद है और इसके रिगार्डिंग जिन्हें जानकारी या नॉलेज चाहिए तो उन लोगों को ये वीडियो प्लीज़ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और खुद भी करो प्लीज़। Thank you for watching this video. Bye and Ram Ram.